प्रियंका गांधी देश की आवाज बन चुकी हैं, कहा प्रदीप जैन आदित्य ने। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रियंका गांधी के निर्देशन में आयोजित मणिकर्णिका मैराथन दौड़ का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भविता के साथ होटल श्रीनाथ में किया गया। कार्यक्रम में विजय हुए सभी 126 प्रतिभागियों ने पुरस्कार ग्रहण किया और प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लव यू झांसी, लव यू प्रियंका के साथ साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को गुंजायमान किया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में आयोजित मैराथन में भारी संख्या में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज संपूर्ण देश की आवाज बन चुकी प्रियंका दीदी गांधी हर बिटिया के साथ हर संघर्ष में खड़ी है। ऐसा विश्वास सभी महिलाओं में जग चुका है कि हर लड़की आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। विशिष्ट अतिथि AICC ऑब्जर्वर रघुवीर संधू ने कहा कि झांसी के अंदर 10,000 प्रतिभागियों ने एक साथ प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लड़की हूँ लड़ सकती के नारे लगाए और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारीबाई की ऐतिहासिक धरा में इस मणिकर्णिका दौड़ के माध्यम से इतिहास रच दिया। प्रथम पुरस्कार विजेता छाया ठाकुर ने प्रियंका दीदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रियंका दीदी के इस कार्यक्रम में हम सबको एक नई दिशा प्रदान की है और हम सब लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने किया। आभार संयोजक प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने व्यक्त किया। उक्त अवसर पर राजेंद्र रेजा, चंद्रशेखर तिवारी, मणिराम कुशवाहा, प्रभा पाल, सरला भदौरिया, राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर विजय भारद्वाज, सुरेंद्र सक्सेना, शंभू सेन, जितेंद्र भदौरिया आदि उपस्थित रहे। महारानी लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई की ऐतिहासिक धरा में आज प्रियंका दीदी के निर्देशन में जो मैराथन दौड़ हुई थी उसमें आप सब बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज उसके पुरस्कार वितरण के अवसर पर मैं आई हुई सब बच्चियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मंचा सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन के प्रिय नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी, अखिल भारतीय यूएफटी लाइव के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।